हाय गाइस, दिस इज प्रभाकर फ्रॉम डियर साइंस। आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। दरअसल हमारे कंप्यूटर में नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही थी। आज मैं इसे खोल रहा हूँ और खोल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे हम खुद से ठीक कर सकते हैं। तो आपको पेज को आराम से खोल लेना है। चलिए खोलते हैं। और पेज को खोलने के बाद ढक्कन को आराम से इसे हटा लेना है। थोड़ा मुश्किल होगा खोलने में, लेकिन खुल जाएगा, ध्यान से खोलें। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस देख रहे हैं आप, ये पूरा सीपीयू का अंदर का दिखाई आपको पड़ रहा है। देखिए इसके अंदर जो होती है वो दो रैम की प्लेट लगी होती है, उसे आपको आराम से निकाल लेना है सावधानी से। ध्यान दें कि तार इधर उधर ना हिले। तो चलिए निकाल लेते हैं, दोनों को एक एक करके निकाल लेते हैं। और ये चलिए दोनों को निकाल लिया। अब हमें इसे इरेजर की मदद से साफ करना है। तो इरेजर लेके इसे अच्छी से चलिए साफ कर लेते हैं। दोनों को साफ करना है दोनों तरफ से। तो साफ हो गया। अब इसे फिर से जिस तरह था उसी तरह लगा देना है। लगा देते हैं चलिए। और अब इसे भी लगा देते हैं, दबा देना है और अपने आप ही उसका प्लग लग जाएगा। चलिए इसे भी लगाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसे लगाकर दबा देना है, वो अपने आप ही बैठ जाएगा। तो अब हम देखते हैं पावर सप्लाई देकर क्या होता है, हमारा सिस्टम वर्क करता है या नहीं। तो पिन लगा लेते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, क्या हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा सिस्टम वर्क करता है या नहीं। ये हमारा कीबोर्ड का तार है, लगा लेते हैं। सही से लग नहीं रहा है ज़रा, चलिए लग गया। अपने माउस के तार को लगा लेते हैं और फिर पावर ऑन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए गाइस, हमारा कंप्यूटर जो है और खुल रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। गाइस देख सकते हैं आप, हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है।